आज आपको लेकर आए हैं एक ऐसे फार्म हाउस पर जहां पर 25 नायाब किस्म के शेर हैं, बड़े तगड़े शेर हैं, टैबी टाइगर हैं। टैबी टाइगर बड़ा रेयर टाइगर होता है और टैबी टाइगर पाकिस्तान में एक ही है। ब्राउन शेर और व्हाइट शेर में क्या फर्क होता है, एक शेर की उम्र कितनी होती है, अगर एक शेरनी बच्चे दे तो वो कितने बच्चे देती है। कोई भी जानवर हो ना, उसकी ऐसे अपने बच्चों की तरह ही केयर करनी पड़ती है। ये आपस में जैसे खेलते हैं ना, ये हमें भी वैसे ही समझते हैं कि शायद हम भी ऐसे ही बर्दाश्त कर लेंगे। तकरीबन 3 माह से 3.5 माह के दौरान जो है ना, ये ब्रीड कर जाती है। इसको आप छेड़ के देखें थोड़ा सा। बात सुने शेर साहब, 8-10 किलो, यानी कि जो बड़े ही साइज के शेर हैं वो 10 किलो 12 किलो भी खा जाते हैं। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। आज आपको लेकर आए हैं एक ऐसे फार्म हाउस पर जहाँ पर 25 नायाब किस्म के शेर हैं, बड़े तगड़े शेर हैं, टैबी टाइगर हैं। टैबी टाइगर बड़ा रेयर टाइगर होता है और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इधर फार्म हाउस है जहाँ पर टैबी टाइगर है। टैबी टाइगर पाकिस्तान में एक ही है। ब्राउन शेर और वाइट शेर में क्या फ़र्क होता है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। एक शेर की उम्र कितनी होती है, अगर एक शेरनी बच्चे दे तो वो कितने बच्चे देती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं 25 शेरों के एक ही मालिक फैजी भाई से। ये अगर आप क्लोज करें तो देख सकते हैं कि अंदर टाइगर है और इसने इस टाइम बच्चे दिए हुए हैं। फैजी भाई कितने बच्चे हैं? ये 3 बच्चे हैं जी। बड़े क्यूट क्यूट बिल्ली की तरह हैं। जी जी, ये इसमें एक बच्चा बड़ा रेयर है, टैबी टाइगर है वो। टैबी टाइगर और आम टाइगर में क्या फ़र्क होता है? ये कलर का फ़र्क होता है, इसका डिफरेंट कलर है। ये भी मेल आपको दिखाते हैं, ये अपने बाप जैसा है, या ये फीमेल, तो ये भी दिखाते हैं आपको। बहुत रेयर होता है ये, रेयर है ये। एक इसका बाप ही वाहिद पाकिस्तान में है टैबी, आपके पास? जी हमारे पास। इस केज में हम देख रहे हैं कि 3 बड़े-बड़े शेर हैं। फैजी भाई ये कौन सी नस्ल के हैं? ये वाइट लाइन पेयर है, ये फीमेल जो फिर रही है, ये भी वाइट लाइन है। जो शेर बैठा है वो भी उसके साथ जो है ना, वो ब्राउन फीमेल है, अफ्रीकन फीमेल। हमने सुन रखा है कि शेर की सवारी करते हैं लोग जिनको शौक होता है, तो इतने ज़्यादा शेर हैं आपके पास, तो शेर की सवारी की है कभी? नहीं, सवारी तो नहीं कभी की, वैसे बस खेलते कूलते हैं इनके साथ, कोई सवारी वाला कोई खास सीन नहीं है। ये जब आपके पास शेर आता है, आप शौकिया जब पालते हैं, तो कितनी केयर करनी पड़ती है? बच्चों की तरह सुना है, इसकी बड़ी केयर की जाती है तब जाके ये आपका वफादार होता है। कोई भी जानवर हो ना, उसकी ऐसे अपने बच्चों की तरह ही केयर करनी पड़ती है। सही उसकी सेहत, हर मामला, उसको बीमारियों से बचा रहता है वो, जब भी बचता है जब आप उसको प्रॉपर अपने बच्चों की तरह डील करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि बहुत सारे पेट होते हैं जो वफादार होते हैं, जैसे कुत्ता वफादार होता है, शेर भी वफादार होता है? शेर वफादार होता है, पहचानता है अपने मालिक की, इसे पहचान होती है। ये अगर किसी को पढ़ रहा होगा तो ये अपने मालिक की पूरी वो करेगा, कदर करता है ये। मैंने सुना है कुछ शेर आपके पास ऐसे हैं जो अगर आप इधर विजिट ना करें तो वो उदास हो जाते हैं, कुछ खाते ही नहीं। हाँ जी, ऐसे होता है कभी कभी, लेकिन मेरा तो बहुत कम होता है कि मैं विजिट ना करूँ, मैं तो रोज ही आता हूँ यहाँ पे। इस केज में कितने शेर हैं जी, और ये कौन कौन सी नस्ल की? इस केज में भी 3 शेर हैं, ये तीनों ये इम्पोर्टेड ही हैं, यूरोप से इम्पोर्ट हुए हैं, ये ब्राउन अफ्रीकन लाइन है जी। इनकी ब्रीड भी बढ़ती है? ब्रीड भी बढ़ती है इनकी। हाँ जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने शौकिया शेर एक रखा हुआ है, 2 रखे हुए हैं, आपने 35-40 शेर शौकिया रखे हुए हैं, इनकी ब्रीड भी खुद करवा रही है? जी जी, ब्रीड भी हमारे पास आती रहती है ना, ब्रीड भी आती है, उसके बाद फिर वो हमारे पास बड़े भी हो जाते हैं, फिर इसी तरह क्वान्टिटी बढ़ती रहती है इनकी। फैजी भाई, ब्लैक में और वाइट टाइगर में क्या फ़र्क होता है, ये जो वाइट शेर होता है और ब्लैक शेर होता है? नहीं, ब्लैक तो शेर ना शेर होता ना वाइट होता है, वो ब्लैक लैपर्ड होता है या जैगवार होता है, वो नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी नहीं है पाकिस्तान में ना। ज़्यादा नायाब कौन सा समझा जाता है? ज़्यादा नायाब ये वाइट लाइन ही है, नायाब है। हाँ जी, फिर वाइट टाइगर होता है, वो भी नायाब है, वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ही रेयर है काफ़ी। ज़्यादा प्यार किस पर आता है, वाइट पर या ब्राउन पर? ये तो जो आपको लुटा के प्यार देता है ना, उसी पे ज़्यादा प्यार आता है। ये बहुत ज़्यादा सख्त प्यार तो नहीं करते दांतों में दबा के? नहीं, अक्सर ये होता है, ये आपस में जैसे खेलते हैं ना, ये हमें भी वैसे ही समझते हैं कि शायद हम भी ऐसे ही बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो हम इनका प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें फिर थोड़ा ध्यान से ही खेलना पड़ता है इनसे। हमने देखे आपने हर केज में पैर पैर रखा हुआ है, एक शेर नहीं एक शेर। जी जी, ऐसे ही है। एक शेर की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होती है? ये शेर जो जंगलात में होता है ना, 10-12 साल में मर जाता है जंगलात में। जो कैप्टिव होता है, जिस तरह जो लोगों ने प्राइवेट पाले हुए होते हैं, ये 25 साल तक भी चली जाती है इसकी उम्र, केयर करने की वजह से। केयर करने की वजह से ताज़ा गोश्त डाला जाता है इनको, साफ सुथरा गोश्त, साफ सफाई, इनके केज की सफाई, हर लिहाज से ये इनको माहौल मिलता है ना, इसलिए माशाल्लाह जानवर खुश भी रहते हैं, सेहतमंद भी रहते हैं। एक टाइम पर शेरनी एट अ टाइम कितने बच्चे देती है, और इसका प्रेगनेंट जो पीरियड होता है वो कितना होता है? ये तकरीबन 3 माह से 3.5 माह के दौरान जो है ना, ये ब्रीड कर जाती है,
और ये एक से लेके एक बच्चे से लेके छः बच्चे तक ये मैक्सिमम दे सकती है। उस दौरान जैसे मुर्गी के अंडे को हाथ लगाओ तो पीछे पड़ जाती है, तो शेरनी भी बड़ी सेंसिटिव हो जाती होगी, अग्रेसिव हो जाती होगी उस दौरान। अग्रेसिव शेरनी होती है वो भी ज़्यादा अग्रेसिव होती है, जो टेम्ड शेरनियाँ होती हैं उनके पास भी आप जा सकते हैं। हमारे पास टाइग्रस है, ये पीछे जो भी लाइनस आपने देखी है इसके पास आप, हम इसके इनके बच्चों को प्यार करते हैं, ये भी पास ही होती है। ये शेरनी बच्चे देती है इसलिए वो अग्रेसिव हो जाती है, उसको पता होता है कि ये मेरे बच्चे हैं। तो जिस शेर के बच्चे होते हैं उसे भी पता होता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं। जी, शेर को भी पता होता है, लेकिन हम वक्ती तौर पे जो है ना शेर को अलग कर देते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों के पाँव के नीचे आने के ज़रा थोड़े ख़तरे होते हैं, फिर इसीलिए शेर को हम अलग कर देते हैं। शेरनी अकेली ही संभालती है बच्चे। ये अपने बच्चे खाते तो नहीं है? इसमें कई शेर होते हैं जो अपने बच्चे खा जाते हैं, और जहाँ पे अनसिक्योर फील करेगी ना शेरनी हो, वहाँ पे वो फिर नुकसान पहुँचा जाती है, जहाँ पे सिर्फ अनसिक्योर फील करेगी। जी फैजी भाई, ये सुने बड़ा आपका लाडला है। ये लाडला ही है, ये बड़ा ख़तरनाक है, ये अग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत बड़ा नायाब शेर है। शेर में भी मर्दाना पावर्स होती हैं? हाँ जी हाँ जी, ये वो झाड़ता है मर्दों की तरह। जी 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 जी, ये इसको आप छेड़ के देखें थोड़ा सा, इसको आवाज़ देंगे वो देखें ना गुजरता भी वो खों खों कर रहा है, वो दिखा रहा है, छेड़ें थोड़ा सा वो आपको बता रहा है। बात सुने शेर साहब। अच्छा ये क्या, इनके साथ बात करो तो वो देखें, ये देखें ये तंग करने का कोई खास अंदाज है? बस ये कुछ कर नहीं ना सकते, फिर ये इस तरह कर देते हैं। तो इससे बात कर सकते हैं हम? जी जी आए जी, इससे बात करते हैं जी। क्या नाम है जी इनका? कालू। मूड ही नहीं है जी बात करने का कालू शेर का, वो सामने बड़े खूबसूरत से टाइगर हैं, तो मेरे ख्याल में अब टाइगर की तरफ जाना चाहिए। अच्छा एक शेर एक टाइम पे कितनी खुराक खा जाता है, कितना गोश्त खाता है? ये 8 से 8-10 किलो, यानी कि जो बड़े साइज के शेर हैं वो 10 किलो 12 किलो भी खा जाते हैं। नॉर्मली 8 किलो, ये जो छोटे हैं ये फीमेल ज़रा छोटी है, ये 5-6 किलो खाती है। जितने आपने शेर रखे हुए हैं पूरे लाहौर के कसाईयों को तो ऑर्डर आप ही दे देते होंगे? नहीं नहीं, एक ही कसाई होंगे पूरा कर जाता है। ये बड़ा नायाब किस्म का मुझे शेर लग रहा है, बिल्ली ऐसे लग रहा है, बहुत बड़ी बिल्ली है कोई। यही है वो जो टैबी टाइगर है ना, मैंने आपको पीछे बताया जो ये एक बच्चा इसका हमारे पास आया, यही है वो नायाब जो है। और ये जो फीमेल है ये भी नायाब है, ये स्ट्रिपलेस फीमेल है, इसके ऊपर लाइनें नहीं है। स्ट्रिपलेस मींस इसके ऊपर लाइनें नहीं है, नॉर्मल वाइट टाइगर लाइनों वाला होता है, इसकी लाइनें बिल्कुल माइनर सी लाइनें हैं, आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा जैसे बहुत सारे जानवरों को देखते हैं या बर्ड्स को हम देखते हैं कि क्रॉसिंग करवा रहे होते हैं, टैबी जो है वो दूसरे किसी और ब्रीड के टाइगर के साथ क्रॉसिंग कर लेते हैं? हाँ जी कर लेता है, ये भी जो वहाँ बच्चे हैं वो जो फीमेल है वो ब्राउन फीमेल है ना, ब्राउन टाइगरस है वो, ये क्रॉस हो जाता है इनका। अच्छा माशाल्लाह आपने एक बहुत बड़ा केज बनाया हुआ है फैजी वाइल्ड लाइफ के नाम से, एक आपका फॉर्म है जिसमें 40-50 अच्छी नस्ल के शेर मौजूद हैं। ये बड़ा अनोखा शौक है, बड़ा नायाब शौक है, ये शौक पूरा करने के लिए भी तो बंदे के पास शेर जैसा जिगरा होना चाहिए। ये शौक ही होता है, शौक में पता नहीं क्या क्या लोग कर जाते हैं, हमने तो चले फिर शेर ही रखे हैं। ये नवाज शरीफ वाले शेर तो नहीं है? नवाज शरीफ वाले ही है, नवाज शरीफ वाले ही है, वो जो तस्वीर में बने ये इन्हीं की तस्वीरें होती हैं, ये असल वाले हैं वो तस्वीर वाले होते हैं। माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस बनाया हुआ है, मछलियाँ भी रखी हुई हैं, शेर भी रखे हुए हैं, टाइगर भी हैं आपके पास, सांप भी रखने का इरादा है, मतलब बड़े अनोखे अनोखे जानवरों से इतनी मोहब्बत। नहीं इंशाल्लाह ताला ज़ू बनाएंगे हम, ये अपना प्राइवेट ज़ू। जानवरों से मोहब्बत है आपको, इतनी ख़ास मोहब्बत क्यों है? बस ये शौक ही होता है शुरू से, ये एक इंसान के ना पैदाइशी ये मामलात होते हैं कि ये जानवरों का शौक जो होता है बचपन से इंसान को होता है, तो ये इसीलिए साथ साथ बढ़ते 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 इतनी पीक पकड़ जाता है। इतना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं शेरों को गोश्त डालना, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये बस अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह पाक चला रहे हैं सारे मामला, बंदा तो किसी को एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकता। इस टाइम टोटल आपके पास कितने शेर और टाइगर्स मौजूद हैं? इस टाइम फार्म पे ना 25 हैं शेर और टाइगर। और ये कौन कौन सी नस्ल के हैं? तकरीबन नस्लें हमारे पास तकरीबन हर नस्ल के ही शेर है, कोई ख़ास एक बस ब्लैक जैगुआर वगैरह नहीं है, लेकिन बाकी तकरीबन शेर टाइगर, टाइगर के 4 कलर हैं। जो हालात नज़र आ रहे हैं मुझे लगता है वो भी आ जाएंगे। ये बस इंपोर्ट की ही देर है, ये खुलने की कोशिश कर रहे हैं हम, अगर वो खुलेगी तो वो भी जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। ये सारी ब्रीड आपने खुद बढ़ाई हुई है या इंपोर्ट ही किए हुए हैं सारे? ये बीच में से काफ़ी इंपोर्ट हैं, कुछ यहाँ लोकली लिए हुए हैं, तो
तो वो बस इसी तरह सब इकट्ठे हुए हैं, कुछ अपनी ब्रीड है। इसके लिए कोई लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ जी, लाइसेंस होता है इसका, ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस, ब्रीडिंग फार्म का जू भी हम लिख सकते हैं अपने साथ। इसके कुछ सेफ्टी SOPs भी होंगे जिनको आप फॉलो करते होंगे? वो तो ज़रूरी है ना, वो सेफ्टी उसके मुताबिक ही आपको लाइसेंस इश्यू होता है। जब आप केजेस शो करवाते हैं, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर आपका विजिट करते हैं, वो फिर आप उसके बाद आपको इश्यू होता है लाइसेंस। शेर पालने का शौक तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन वो अधूरा उस वक्त रह जाता है। इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, कुछ इसके सेफ्टी SOPs होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। आप तो प्रोफेशनल हो गए इसमें। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे ज़्यादा शेर हैं इस टाइम। शेरों से बड़ी मोहब्बत है, सुने आपके गले लग के लिपट कर रोते भी हैं। नहीं रोते नहीं है, वो बहुत खुश हैं मेरे से, खुशी होते हैं बस। चलें जी, रोते नहीं है, खुश हैं। फैजी भाई की कहानी आपको कैसी लगी? 25 शेरों को पालने के लिए टाइगर जैसा जिगरा चाहिए होता है, शेरों जैसा जिगरा चाहिए होता है जो इन्होंने रखा हुआ है। इन्होंने मछलियाँ भी पाली हुई हैं, आगे जब कोई नया वो ब्लैक जैगुआर जो आप कह रहे हैं वो भी मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास आए तो ये जो देख रहे हैं हम इनको दिखा देंगे। जी जी, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, आप आइएगा फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको भी, आपकी ऑडियंस को भी। सर्दी का मौसम है, मछलियाँ ना निकाल के यहाँ से पका लें थोड़ी सी। मछली वैसे खिलाते हैं आपको, ये तो बेचारी मासूम छोटी छोटी मछली है। चलें जी, आपको फैजी भाई की कहानी, फैजी भाई का वाइल्ड लाइफ फार्म कैसा लगा? बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत सा माहौल है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।